शुरू होने जा रही इंडिगो की फ्लाइट रायपुर से कोलकाता के लिए हफ्ते में 3 दिन सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को उड़ान भरेगी। इंडिगो की फ्लाइट रायपुर से सुबह 9:05 में उड़ान भरेगी और 11:05 में कोलकाता पहुंचेगी। इंडिगो एयरलाइंस की फ्लाइट रायपुर से पुणे के लिए 16 सितंबर से सप्ताह में 4 दिन मंगलवार, गुरुवार, शनिवार और रविवार को उड़ान भरेगी। यह फ्लाइट सुबह 10 बजे से रायपुर उड़ान भरेगी और 11:45 में पुणे पहुंचेगी। माना एयरपोर्ट चौक पर शनिवार की रात एक हादसे में कार सवार 2 युवकों की मौके पर ही मौत हो गई, साथ ही एक युवक गंभीर रूप से घायल है। हादसे की सूचना के बाद मंदिर, हसौद, माना और मुजगान पुलिस मौके पर पहुंची। रायपुर पुलिस ने शहर के 2 अलग अलग थाना इलाके से 105 अंग्रेजी पेटी शराब बरामद किया। विधानसभा थाना इलाके में 96 पेटी और रामानाका थाना में 9 पेटी शराब जब्त किया गया। इस प्रकरण में कुल 9 आरोपी की गिरफ्तार की गई है। बिजली विभाग ने आदेश जारी किया है कि दुर्ग जिले में भिलाई नगर निगम में रविवार से रोज 1 घंटे के लिए बिजली की कटौती की जाएगी, जिसके बाद भिलाई निगम क्षेत्र में अब प्रतिदिन सुबह 6 बजे से 7 बजे तक बिजली बंद रहेगी। छत्तीसगढ़ सरकार ने कृष्ण जन्माष्टमी पर्व के अवसर पर मदिरा विक्रय दुकानों और मांसाहार की दुकानों को 30 अगस्त 2021 को बंद रखने का निर्देश दिया है। NSUI ने बिलासपुर शहर के ऐसे छात्र जिन्होंने कोरोना महामारी में अपने अभिभावकों को खो दिया है, उनकी कॉलेज की फीस जमा करने का निर्णय लिया है। इस सुविधा को लाभ उठाने के लिए उनके मोबाइल नंबर जारी किए गए। छात्रों को इन नंबरों पर कॉल करने अपना विस्तृत विवरण बताना होगा।